दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अगर आप कभी भी किसी भी, जैसे मान लो कोई लोन ले लिया, या आप किसी दुकान से कोई सामान खरीद लिया, या आपके से कोई चीटिंग किया, या आपसे कोई पैसा ज़्यादा ले लिया, या कोई आपका हेल्प नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी भी मैटर का थोड़ा हो, तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। या आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई सामान परचेस कर लिया, या आपका कोई कैंसिल आपने कर दिया, आपको रिफंड नहीं मिला, ये सारी चीज़ें अगर आपके संग है तो कैसे आप कंप्लेन कर सकते हो, आपका सुनवाई होगा। मेरे साथ हुआ था, मैं अपना रिव्यू आपको बताऊंगा और आपको डिटेल्स में बताऊंगा कैसे आपको कंप्लेन करना है, कहां पे कॉल करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो यहाँ पे हम आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और सब कुछ आपको हम लाइव बताएंगे, और मेरे संग जो हुआ था वो भी आपको हम बताएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आधा मत देखना, चलिए ले चलते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH, दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपके संग कोई चीटिंग या कोई आपके संग कोई गलत कर रहा है, कोई फोर्ट पब्लिश या कोई ऐसा दिक्कत आपके संग हो रहा है, या आप कभी भी जैसे कि मान लो किसी से सामान लिए हैं, कोई आपके संग धोखाधड़ी कर रहा है, तो आप यहां से कंप्लेन करके अपनी प्रॉब्लम को दूर करवा सकते हैं, और 100% हेल्प होता है, इसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट है। तो डिटेल्स में बताएंगे, तो सो प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू करते रहना। दोस्तों यहाँ पर क्या है, मान लो आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन या आपने किसी दुकान से कोई सामान परचेस किया, प्राइस उसकी मान लो अगर 200 रुपये है और दुकानदार ने पैसा आपसे अधिक ले लिया, या आपको बिल देने से मना कर रहा है, या कोई ऐसा रीजन है, तो आपको क्या करना है। मैंने आपको लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके आप यहां पे आएंगे तो यहां आपको ए हेल्पलाइन नंबर मिल रहा है। आपको यहाँ पर 8 AM से ले के जो है और 8 PM तक आप जैसे कि कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके आपको बोलना क्या है। इस नंबर पे कॉल करने के बाद मान लो आपके संग कुछ भी हुआ है तो आपको बताना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, आपसे जो सवाल पूछेंगे, एरिया, पिन कोड, सिटी, कहाँ से बात कर, आपका नेम क्या है, सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे। बताने के बाद जो है आपका वो कंप्लेन खुद रजिस्टर करेंगे, आप वेबसाइट से खुद भी कर सकते हो। वेबसाइट से रजिस्टर करने का वीडियो मेरा पार्ट टू वीडियो आएगा, कमेंट करोगे तो मेरा वो वीडियो और आएगा पार्ट टू का। तो आप यहां से कंप्लेन जैसे आप कॉल पे करोगे, कॉल लगता है, और ऐसा नहीं है कि कॉल आपका नहीं लगेगा, और इसी नंबर पे कॉल करना जो आपको मैं दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, आप ट्रैक कर सकते हैं अपने कंप्लेन को, और आपको मैसेज जो आपको दिखाई चुका हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मेरे साथ हुआ क्या था कि मैंने हिमगंगे तेल लिया था, जो कि सर पे लगाए जाते हैं गर्मियों के मौसम में, आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो मैं दुकानदार के पास गया और मैंने ले लिया उनसे तेल, जो कि तेल की प्राइस 140 रुपये 200 ग्राम की थी, और उसने क्या किया कि हमसे 140 के बजाय 240 रुपये लिया। और मैं जो है जैसे कि मेरे को थोड़ा से कुछ प्रॉब्लम था और मैं उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, और इसके बाद मैं पैसे को उन्होंने मेरे को दिया, मैंने जेब में रख लिया पैसा, और उनको मैंने 240 पे भी किया, हमको बिल नहीं दिया, उसे तेल में तो बिल कोई देगा नहीं, ठीक है हम चले आए। तुरंत जब मैंने दूसरे दुकान पे गया, वहाँ पे मैं सामान लेने के लिए, पैसा मेरा कम पड़ गया, वाला पैसा मेरा कहाँ गया, मैं इतना पैसा लाया था। बट क्या हुआ कि तुरंत मैं गया वहाँ पे, बताया कि ऐसा दिक्कत है, और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपने हमसे 240 रुपये लिया, तेल प्राइस 140 रुपये है। वो बंदा मेरा पैसा देने से इनकार कर दिया, मात्र 100 रुपये की बात थी, बट यहाँ पे बात 100 रुपये की नहीं थी, बात यहाँ विश्वास की थी, बात यहाँ आदमी के काम की थी। उन्होंने को मना कर दिया, इसके बाद जब मना कर दिया हमको, तो फिर मैंने उनको बोला कि एक काम करो, आप कैमरा चेक कर लो। वो कैमरा दिखाने के लिए मना किया, बोला हम कैमरा नहीं दिखाएंगे, हम चले अपना कैमरा दिखाने के लिए 100 रुपये के, बोला 100 रुपये की बात नहीं है, आज मेरे संग किसी और संग हो सकता है। और मैंने उसे बोला बिल दे दो, बोला मैं बिल दूंगा तो इसमें मैं टैक्स ऐड करूंगा। तो बोला ठीक है, चलो भैया मुझे बिल दे दो, मैं टैक्स भी पे करने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद उसने क्या किया कि मेरे को
जो है बिल देने से भी इनकार कर दिया, पर्ची पे लिख के मेरे को दे दिया। मैंने बोला मेरे को पक्का बिल चाहिए, बोला नहीं दूंगा। मैंने बोला कि देखिए मैंने आपके यहाँ सामान लिया है, मैं ऐसा कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ और आप गलती किए हैं, आप कैमरा देखिए, अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। फिर भी वो तैयार नहीं हुआ, बोला आपका टाइम नहीं है। इसके बाद दोस्तों मैंने ये जो नंबर है 14404 पे कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने सारी चीज़ें, एक मैं लेडीज ने फ़ोन रिसीव किया, मैंने बताया मेरे संग ऐसा सा हुआ, दुकान का लोकेशन, दुकान का नेम क्या है, मेरा पिन कोड, एरिया, मैंने सब कुछ कंप्लेंट दर्ज करवाया। कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद फिर मैं सुबह गया उस दुकानदार के पास, मैंने बोला कि मैंने कंप्लेंट दर्ज कराया है और आपने मेरे संग चीटिंग किया है, और इसके बाद आपके ऊपर जो भी आपने मेरे संग गलत किया है, मैं अगर सही हूँ तो अपना पैसा लूँगा और आपके ऊपर भी मैं फाइन चार्ज भी लगाऊंगा, जो कि मुझे परेशान होना पड़ा है। जब मैंने उसको सारे रूल बताए, सारी चीज़ें बताए, तो उसके अंदर एक डर सा पैदा हो गया। वो दुकानदार अपने अंदर एक डर सा महसूस करने लगा जब मैंने बताया कि आप टैक्स पे करते हो, मैं आपसे बिल मांग रहा हूँ, क्यों आप नहीं दे रहे हो। जब उसको लगा तो बोला कि भैया एक काम करो, हमसे लगता है गलती हो गया है, 100 रुपये आप, मैं आपका वापस कर रहा हूँ। मैंने बोला कि नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताया है रूल्स और मैं अब आपसे मैं लीगल तरीके से पैसा लूँगा। दोस्तों यकीन मानिए, मैंने आपको कंप्लेन नंबर दिखाया जस्ट मैसेज पे स्क्रीन पे जो है। इसके बाद जो आपका कंप्लेंट होता है, आपके सिटी में नियर बाई में ट्रांसफ़र किया जाता है और उनकी टीम जो है बीट करती है और इस चीज़ का पूरा जांच होता है कि इतनी सच्चाई कितनी क्या है। दोस्तों कॉल आया मेरे पास टीम का उनकी तरफ से कि सर आपका कंप्लेंट दर्ज हुआ है। मैंने बताया हाँ सर ऐसी दिक्कत है। इसके बाद जो है फिर मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा है, दुकानदार सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। फिर मैं दुकानदार मुझसे मुझे कॉल किया, मैंने नंबर दिया था और बोला भैया पैसा आके ले लो, हम अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। मैंने बोला कि ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, आप क्यों नहीं मान रहे हो। दोस्तों मुझे मेरा पैसा मिला, मैंने ज़्यादा पैसा नहीं लिया क्योंकि मैं किसी का 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं खा सकता, क्योंकि किसी का पैसा खाना गलत है। मैं पैसा, मेरा पसीने का पैसा था, मैं अपना पैसा लिया। तो दोस्तों अपना राइट जानो, अपना अधिकार जानो। अगर आप ये अधिकार जानते हैं तो कोई आपसे चीटिंग नहीं कर सकता है, चाहे इंडिया कोई कंपनी हो, अगर आपसे गलत करती है या दुकानदार हो कोई है, आप इस नंबर पे कॉल करें। दोस्तों यकीन मानिए आपका पूरा हेल्प होगा, आप मैसेज भी आता है आपके मोबाइल में, तो आप पूरा समझ चुके होंगे, आप ये जरूर करना, आपका पूरा हेल्प होगा। मेरे संग हुआ जो मैं आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।